नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो और किस संस्था के संयुक्त मिशन को निसार नाम दिया गया है? ईसा, नासा, जाक्सा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में इसरो और नासा के संयुक्त मिशन को निसार नाम दिया गया है। नासा के प्रशासक बिल नेंसल राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीतिक चर्चाओं और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के लिए साथ आए हैं। इसके अतिरिक्त नेल्सन की यात्रा राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा शुरू की गई क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और भारत की पहल के साथ संरेखित है, जो अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास में संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता को पूरा करती है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राजकीय पशु नीलगिरी तहर को संरक्षण प्रदान करना है। स्थानीय रूप से वराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है, जो खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने के अपने कौशल के लिए जानी जाती है। इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु और केरल में पाई जाती हैं। यह प्रोजेक्ट 2023 से 2027 तक चलेगा। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वह मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू करेगी। इसका उद्देश्य पढ़ने लिखने में कमजोर 25 लाख स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार करना है। मिशन दक्ष के तहत शिक्षक अधिकतम 5 छात्रों का समूह बनाएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में बोईता बंडाना उत्सव मनाया गया है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर झारखंड। तो अभी हाल ही में ओडिशा में बोईता बंडाना उत्सव मनाया गया है। ओडिशा में लोगों ने बोईता बंडाना उत्सव मनाया, जो क्षेत्र की समुद्री महिमा का प्रतीक एवं एक नाव उत्सव है। यह वार्षिक उत्सव कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बोईता बंडाना ओडिशा की प्राचीन समुद्री गतिविधियों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों के लिए एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि भी है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सिडनी विश्वविद्यालय ने वैक्सीन अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, DRDO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सिडनी विश्वविद्यालय ने भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन अनुसंधान के लिए साझेदारी की है। वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक इंटरनेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य अकादमिक उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देना, भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए नवीन पद्धतियों को डिजाइन करना और टीकों और बायोथेरेप्यूटिक्स के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं की ताकत का लाभ उठाना है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश के पहले उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।
हालिया घोषणा के मुताबिक देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। यहां 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G से जोड़ने पर शोध किया जाएगा। IIT रुड़की के सहारनपुर परिसर में 30 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम के क्षेत्र में नई तकनीक को विकसित करना और बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक ओपन एयर व्यापार मेला बलिया यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है? ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो अभी हाल ही में ओडिशा के कटक में बलिया यात्रा उत्सव शुरू हुआ है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक ओपन एयर व्यापार मेला बलिया यात्रा ओडिशा के कटक में शुरू हुआ है। जिला संस्कृत परिषद ने अपनी वार्षिक स्मारिका कटक बलिया यात्रा 2023 का विमोचन भी किया है। इसका आयोजन ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा किया गया था। यह ओडिशा और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों के अन्य जातीय उत्पादों को प्रदर्शित करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड्स प्रदान किया गया है? केंद्रीय खनन मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय या केंद्रीय इस्पात मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई। कामाची मुदाली उथांडी को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देवाशीष भट्टाचार्य जी को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत कुल 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा विकास कार्यक्रम के तहत समीक्षा केंद्र खोलने वाला हिमाचल प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए एडटेक कंपनी कन्वेजीनियस के साथ समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना का अनावरण किया है, जो आंगनबाड़ियों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। सफल मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की तर्ज पर बनाई गई इस योजना को गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न की पेशकश करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।